फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एम्स जोधपुर के बारे में। जानेंगे एम्स जोधपुर की सारी डिटेल, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एमबीबीएस के एडमिशन के लिए टोटल सीट्स कितनी है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट अवेलेबल है, नीट के एग्जामिनेशन 2020 के थ्रू ही एडमिशन होगा एम्स में इस बार, पहली बार ये एडमिशन होने जा रहा है एमबीबीएस में, सारे एडमिशन नीट के थ्रू होगा। तो नीट में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे आपको कैटेगरी वाइज एडमिशन पाने के लिए एमबीबीएस में एम्स जोधपुर में, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए मेडिकल विंग के साथ। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकल विंग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेडिकल विंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं एम्स की सारी डिटेल इस छोटे से वीडियो में। सो फ्रेंड, हियर इज द डिटेल ऑफ एम्स जोधपुर। जोधपुर की अगर हम बात करें, टोटल 100 सीट अवेलेबल है, लाइक अदर एम्स, जो कि टोटल 9 एम्स हैं जिसमें 100 सीट है, बाकी के जो 6 एम्स हैं उसमें 50 सीट्स हैं। लेकिन एम्स अगर जोधपुर की बात करें, टोटल 100 सीट्स हैं, 51 सीट अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7, और पीडब्ल्यूडी का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो है 5% का। अगर रिजर्वेशन परसेंटेज की हम बात करें पीडब्ल्यूडी के लिए, देन जोधपुर में आउट ऑफ 5, 2 सीट्स फॉर अनरिजर्व, वन फॉर ओबीसी, वन फॉर एससी, वन फॉर एसटी, टोटल 5 सीट्स आर अवेलेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन एम्स जोधपुर। राइट, टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, फ्रेंड्स, फी की जो स्ट्रक्चर है वो जो दूसरे एम्स है बिल्कुल उन्हीं की तरह है। पूरे एकेडमिक कोर्स की फीस है, यानी पूरे 5 साल की फीस है ये, और ये टोटल फीस है 4,228 हॉस्टल का, 1,628 रुपये आपका एकेडमिक फीस। राइट, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, फ्रेंड, जो नीट की एलिजिबिलिटी है सेम एम्स के एडमिशन के लिए भी होगा इस बार, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें 12th में, देन अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 60 या फिर उसके ऊपर परसेंटेज रहना चाहिए 12th में। अगर आप एस सी एस टी से हैं तो 50%, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये परसेंटेज हो जाता है 45% का, यानी 45% आपका होना चाहिए क्लास 12th में अगर हम एडमिशन एलिजिबिलिटी, एकेडमिक एलिजिबिलिटी की बात करें एम्स जोधपुर के लिए। राइट, बात करेंगे फ्रेंड्स कट ऑफ की। फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट है 2019 में एग्ज़ाम हुआ था एम्स का, और उसके बाद ही अलॉटमेंट हुआ था, सारे स्टूडेंट्स की ये लिस्ट है डिफरेंट इंस्टीट्यूट वाइज, हम आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोज़ में। जोधपुर की अगर हम बात करेंगे, जोधपुर के ये जो PDF है आप इसको aimsexam.org से डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में है। आपकी फैसिलिटी के लिए हमने इसे एक्सेल में कन्वर्ट कर रखा है। यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो एडमिशन हुआ था 2019 में वो किस कैटेगरी के रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज किस रैंक के स्टूडेंट को एम्स जोधपुर में एडमिशन हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर हम अनरिजर्व की बात करें, अनरिजर्व ये आपके सामने लिस्ट है, स्टार्टिंग हुई थी 53rd रैंक से, और जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 390 पे, यानी ऑल इंडिया एम्स का जो एग्ज़ाम था उसमें जो लास्ट रैंक होल्डर थे जोधपुर के लिए वो था 390। नो डाउट फ्रेंड्स कि बहुत टफ होने वाला है 2020 में। अगर आप टॉप 500 कैंडिडेट्स के अंदर अगर आते हैं, राइट, देन आपको मिल सकता है एम्स जोधपुर, अगर हम इसकी बात करें। अगर मार्क्स की बात करें जनरल के लिए, ये मार्क्स होने वाला है 630 या फिर इसके ऊपर, राइट, यानी आप 620-30 या फिर इसके ऊपर अगर हैं तो एम्स जोधपुर में आपको चांस मिल सकता है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, फ्रेंड्स, ओबीसी की ये लिस्ट है आपके सामने, और यहाँ पे जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 931 पे, यानी ऑल इंडिया रैंकिंग अगर नीट में आपका 1000 के अंदर होगा तब भी आपको एक चांस मिल सकता है, और इसके लिए आपको जो मार्क्स लाने पड़ेंगे वो लाना पड़ेगा 630 के ऊपर। अगेन 5 या 10 नंबर का डिफरेंस होता है सिर्फ, लेकिन हालांकि टॉप कॉलेजेस से टॉप रैंकिंग के होल्डर को ही मिलेगा, इसीलिए 630 के ऊपर अगर आप लाते हैं नो डाउट कि आपको एक चांस मिल सकता है। ये जो कैटेगरी है फ्रेंड्स, ये है ओबीसी पीडब्ल्यूडी का, यानी 21,041 रैंक होल्डर को मिला था 2019। सो फ्रेंड्स, इफ़ योर रैंक इज़ बिलो 20,000 इन ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, नो डाउट दैट यू विल गेट अ चांस इन एम्स जोधपुर फॉर MBBS एडमिशन। राइट, टॉकिंग अबाउट SC कैटेगरी, देन फ्रेंड्स, हेयर इज द डिटेल, यू हैव टू क्लिक ओवर हेयर, देन वेन यू प्रेस ओके, हेयर इज द डिटेल, द लास्ट अलॉटमेंट इन 2019 फॉर विद एम्स एग्जामिनेशन इन एम्स जोधपुर इट वॉज ऑफ 7,691 रैंक होल्डर। अगर हम नीट 2020 की बात करें, नो डाउट फ्रेंड्स की ये 7,500 के अंदर रहने वाला है SC की ओवरऑल रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप SC की कैटेगरी वाइज रैंकिंग की बात करते हैं
नो डाउट के फ्रेंड्स टॉप 150 200 के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो फिर एक चांस आपको मिल सकता है एम्स जोधपुर में इसी कैटेगरी में एडमिशन के लिए। लास्ट ये जो अभी आप देख रहे हैं 11,989, दिस इज 11,989, दिस रैंक बिलोंग्स टू SC PWD कैटेगरी। सो इफ़ यू आर फ्रॉम SC कैटेगरी एंड यू ऑल्सो बिलोंग टू PWD कैटेगरी देन डेफिनेटली योर ऑल इंडिया रैंकिंग इज इन 2020, इफ इट इज़ अराउंड 12,000 और 13,000 देर विल बी अ चांस दैट यू गेट MBBS एडमिशन इन एम्स जोधपुर, राइट। टॉकिंग अबाउट ST कैटेगरी फ्रेंड्स, हेयर इज द डिटेल एंड देयर इज द टोटल 7 सीट्स आर देयर इन एम्स जोधपुर फॉर SC कैंडिडेट एंड द लास्ट अलॉटमेंट इट वॉज इन 2019 दैट वॉज ऑफ 10,709। इफ योर रैंकिंग इन 2020 इट गोज बिलो 8,000 और 8,500 देयर विल बी अ चांस फॉर ST कैंडिडेट स्टूडेंट दैट यू गेट MBBS फ्रॉम जोधपुर, राइट। आफ्टर ऑल डिपेंड्स ऑल द सीट अलॉटमेंट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस एज वेल एज योर मेरिट ऑल फ्रेंड्स। आफ्टर नीट रिजल्ट मेडिका विंग विल इशू अ हेल्पलाइन नंबर फॉर यू गाइज फॉर योर काउंसलिंग एंड आवर एक्सपर्ट विल हेल्प यू रिगार्डिंग काउंसलिंग रिगार्डिंग द चॉइस लॉक ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट विल ऑल्सो रिलीज अ लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज मेरिट वाइज कॉलेज लिस्ट and we will help you on NEET counseling 2020, so stay tuned। so friends कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, अगर ये वीडियो friends आपको पसंद आता है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट हैं NEET 2020 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।